तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। ठीक है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि टेरेस फार्मिंग क्या है और इसका फंडा क्या होता है। तो देखिए, टेरेस फार्मिंग एक्चुअली हिंदी में बोला जाए तो सीढ़ीनुमा खेती होती है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती को टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो इसको तस्वीर की मदद मतलब से समझते हैं। देखिए, ये जो चित्र है ये एक टेरेस फार्मिंग दिखाया हुआ। ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी कैसा लगेगा आपको, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टेयरकेस होती है, तो उस तरीके से खेती की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ 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 ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेप्स है, कुछ फ्लैट स्टेप्स है। एक स्टेप्स अप है तो एक डाउन है, एक अप है तो एक डाउन है। देखिए, ये यहाँ अप है तो नीचे डाउन है, अप है डाउन है, इस तरीके से यहाँ टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा शब्दों की मदद से समझते हैं क्या टेरेस फार्मिंग का मतलब है। टेरेस फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स, यानी कि चौड़े चौड़े बिल्कुल समतल जो स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियां बनाई जाती है, और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। ठीक है, जो ऐसे टेढ़े स्लोप्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये इसे स्लोप का मतलब होता है ढलान, ये स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ इन पे थोड़े थोड़े फ्लैट फ्लैट करके ऐसे ऐसे करके सीढ़ी नुमा खेती करी जाती है। ठीक है, ऐसे पहले स्टेप्स बनाए और हर इन स्टेप्स पर खेती की गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। तो टेरेस फार्मिंग को समझते हैं, तो टेरेस फार्मिंग क्या है, ब्रॉड स्टेप्स, यानी कि ये स्टेप्स हो गई, ये स्टेप्स एक एक स्टेप है, एक दूसरा स्टेप है, इस तरीके से स्टेप है, दिख रहे हैं आपको। तो ब्रॉड स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। ठीक है, स्टीप स्लोप्स के ऊपर स्टेप्स बनाए जाते हैं, फ्लैट स्टेप्स और टेरेस बनाए जाते हैं, सो डेट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल, जिस तरीके से ताकि फ्लैट सरफेस मिल गया। जैसे यहाँ ये फ्लैट सरफेस मिला, यहाँ ये फ्लैट सरफेस मिला, यहाँ ये फ्लैट सरफेस मिला, ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस हमें मिला। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो डेट फ्लैट सर्फेसिज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, ताकि फसल उगाने के लिए फ्लैट सरफेस मिल जाए। ठीक है, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोइल इरोजन, और इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस का कमी भी नहीं पड़ती, सरफेस की कमी भी नहीं पड़ती, सरफेस भी अवेलेबल हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, तो मिट्टी का जो कटाव होता है, जो सोइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ खेती की जा रही है, तो खेती की जो फसलों की जो रूट्स होती है वो उसको बाउंड कर लेती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। तो ये था टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती जो होती है, सीढ़ीनुमा जो खेती होती है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।